हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चंडीगढ़। सुबह के बज गए हैं 7:15 और हम निकल रहे हैं मनाली के लिए। थोड़ी देर में हम रोड हिट कर लेंगे। अपने होटल में हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया क्योंकि प्लान ये था कि हम यहाँ जल्दी से जल्दी निकलेंगे और रास्ते में कहीं गाड़ी रोक के ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, फिर आगे लंच भी करेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम लगना है मनाली पहुँचने में। तो हम सुबह का जो डिस्टेंस है वो जल्दी से जल्दी कवर करना चाहते हैं। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं रोड पर। पहाड़ देखने लग गए हैं अभी हम थोड़ा सा शिमला वाले हाईवे पे हैं और मैं एक्चुअली थोड़ा सा एक डिफरेंट रूट लिया है आज मैंने। हम यहाँ से जाएंगे पिंजौर की तरफ और पिंजौर वाला रास्ता लेके हम सीधा हिट करेंगे स्वार घाट। तो फिलहाल पंचकुला क्रॉस कर रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम है, 7:45 हैं, सनलाइट आ गई है और सामने पहाड़ों का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। जब आप सुबह सुबह निकल जाते हो ना तो इतनी फ्रेश एनर्जी होती है और कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए सुबह सुबह आप जितना भी डिस्टेंस कवर कर लो उतना बेटर है क्योंकि आगे जाके ट्रैफिक तो मिलना ही है। और मनाली का रास्ता वैसे भी बहुत सारे शहरों से होके निकलता है, जैसे सुंदरनगर और मंडी दो मेन यहाँ के शहर हैं जिन्हें हम क्रॉस करेंगे। तो इन दोनों जगहों पर ट्रैफिक मिलना तो है ही। और एक्चुअली एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि मनाली की रोड आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन है। मतलब सुंदरनगर से लेके मंडी और मंडी से जो और टनल है और टनल के भी थोड़ा सा आगे तक सारी रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है। लगभग 100 किलोमीटर का पैच ऐसा है जहाँ पे बहुत ही रो रो के गाड़ी चलेगी। काफ़ी लोग कह रहे थे कि इस टाइम पे मनाली जाना नहीं चाहिए बिकॉज ऑफ दैट रोड कंडीशन, बट मैंने स्टिल यही प्रेफर किया बिकॉज मुझे इस टाइम पे कोई और डेस्टिनेशन समझ नहीं आ रही थी। अक्टूबर का टाइम है और इस टाइम पे मनाली का वेदर काफ़ी खुला होता है, व्यूज़ बहुत प्यारे होते हैं और कहीं कहीं ऊपर ऊपर पहाड़ियों पे बर्फ़ भी हो सकती है। हमारा प्लान ये है कि हम मनाली से आगे जिस्पा भी जाएंगे और वैसे कोई फिक्स एजेंडा नहीं है, बट हाँ एक जिस्पा ज़रूर मैं कवर करूँगा। तो बाकी देखते हैं कैसा रहता है, जो भी होगा मैं आपको आगे बताऊँगा। फिलहाल नज़ारे इन्जॉय करते हैं और आगे चलते हैं मनाली की तरफ। अभी बिलासपुर से थोड़ा सा पहले रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। सुबह चंडीगढ़ से निकले हुए लगभग 3 घंटे हो गए हैं और इन 3 घंटे में लगभग 120 किलोमीटर ट्रैवल किया है। जो रास्ता मैंने लिया था वो पिंजौर वाला लिया था, तो शुरू में रोड्स ख़राब थी, बीच में बहुत अच्छी हो गई थी और उसके बाद पहाड़ चढ़ना शुरू हुआ था तो 15 किलोमीटर की रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। और पिंजौर वाले हाईवे से मनाली की तरफ आते हुए स्वार घाट पर हमने मेन मनाली नेशनल हाईवे ज्वाइन कर लिया है। बिलासपुर से थोड़ा सा पहले हम एक रेस्टोरेंट पर रुके हैं, यहाँ पर ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर आगे निकलेंगे मनाली के लिए। मेरी नॉलेज के हिसाब से सुंदरनगर के बाद रोड काफ़ी ख़राब हो जाएगी और लगभग और टनल तक ख़राब रोड चलती रहेगी। तो जो भी रोड कंडीशंस होगी मैं आपको इस व्लॉग में पूरा बताऊंगा। अगर आप भी अपनी गाड़ी से मनाली जाने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये वीडियो में सभी रोड कंडीशंस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको पता लगेगी। तो बने रहिए इस वीडियो में, मैं करता हूँ यहाँ ब्रेकफास्ट और थोड़ी देर में आगे निकलूँगा मनाली के लिए। तो अभी हम लोग सुंदरनगर पहुँचने वाले हैं। सुंदरनगर से बिलासपुर का स्ट्रेच काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। जो मेन कंस्ट्रक्शन वाला हाईवे है वो सुंदरनगर के बाद शुरू होगा। बाहर का टेम्परेचर अभी भी 27 डिग्रीज है। आई थिंक जब हम और टनल को क्रॉस करेंगे उसके बाद ही ठंड शुरू होगी। अभी तक की ड्राइव कंफर्टेबल रही है। बिलासपुर से पहले की रोड्स भी ठीक ठाक कंडीशन में थी, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। जी हम पहुँच गए हैं सुंदरनगर शहर, काफ़ी बड़ा शहर है और थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ट्रैफिक जैम भी है। नज़ारे यहाँ से थोड़े थोड़े क्लियर होने शुरू हो गए हैं और थोड़ी ही देर में हम ब्यास रिवर के पास भी आ जाएंगे। एक्चुअली दूर कहीं सामने बर्फ़ की पहाड़ियाँ दिखने लगती हैं। ये तो पक्का है जब मनाली जाएंगे तो ऊपर ऊपर की पहाड़ियों पर बर्फ़ तो डेफिनेटली मिलेगी। अभी तक जो रोड कंडीशंस हैं उसके बारे में मैं अपडेट कर देता हूँ। स्वारघाट से बिलासपुर तक लगभग रोड्स ठीक थी, मैं एक्सेलेंट नहीं कहूँगा बट दोज वर रियली गुड, ड्राइव करने की कोई दिक्कत नहीं है। बिलासपुर से सुंदरनगर की रोड्स भी, बीच में एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आया था बट ओवरऑल द रोड्स आर गुड। आई थिंक अब सुंदरनगर के बाद ही जो है रोड ख़राब होगी और वो चलेगी औथ टनल या उसके थोड़ा सा बाद तक, और कुल्लू जाके ही अब अच्छी रोड्स आएंगी। दोपहर का अभी टाइम हो गया है, 12:45 बज रहे हैं। डिस्टेंस कवर कर लिया है 164 किलोमीटर और एग्जैक्टली 5 घंटे हो गए हैं। तो दोपहर के 1:15 बज रहे हैं और अपने होटल चंडीगढ़ से निकले हुए हमें 6 घंटे हो गए हैं।
डिस्टेंस कवर कर लिया है लगभग 200 किलोमीटर। अभी थोड़ी देर पहले मंडी क्रॉस किया है और मंडी क्रॉस करने के बाद एक रेस्टोरेंट पे रुके हैं, यहाँ पे लंच करेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी आगे मनाली की तरफ। रोड कंडीशन अभी तक मैनेजेबल रही है, बीच में 200 मीटर के रफ पैचेस आए थे। अभी देखते हैं यहाँ से आगे शायद और ज़्यादा रोड ख़राब होगी, जैसे जैसे आगे चलूँगा तो आपको बताता रहूँगा। सो अपनी जर्नी का पहला बड़ा ट्रैफिक जाम मिला है। आई थिंक यहाँ पे ट्रैफिक रोका गया है बिकॉज आगे ऑब्वियसली काम चल रहा होगा और GPS पे भी एक बड़ी सी रेड लाइन दिखा रहा है और ये पूरा रास्ता यहाँ से जाम है। मनाली अभी भी यहाँ से 105 किलोमीटर है और जो अराइवल टाइम बता रहा है वो 5:15 के लगभग। देखते हैं अभी इस तरह के 2-3 ट्रैफिक जाम शायद और मिलेंगे, तो देखते हैं, आराम से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लंच कर लिया है, उसके बाद चाय भी पी, फ्रेश लाइम सोडा सब कुछ हो गया। बस यही ट्रैफिक जैम से निकलते निकलते धीरे धीरे मनाली पहुंचना है। ये देखो सामने कितनी मिट्टी उड़ रही है, कितनी ज़्यादा मिट्टी उड़ रही है इस टाइम पे। ये ब्लास्टिंग जोन है, यहाँ पे पहले ब्लास्ट किया जाता है, फिर जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं टूट जाते हैं वो नीचे गिराते हैं, एक साइड का ट्रैफिक रोक देते हैं, फिर वो निकलता है तो दूसरी साइड का निकलता है। बस यहाँ पे इसी तरह से काम चल रहा है। आई थिंक आने वाले शायद 1 से 2 साल तो मिनिमम यहाँ लगेंगे पूरा काम खत्म होने में। पहले ट्रैफिक जाम को निकले हुए अभी हार्डली 1 या 2 किलोमीटर हुए हैं और यहाँ पे एक और ब्लास्टिंग जोन आ गया है और यहाँ पे फिर से GPS पूरा रेड लाइन दिखा रहा है। एक चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है, अगर आपको इन रोड्स का आइडिया नहीं है ज़्यादा या आप पहली बार ड्राइव करके जा रहे हैं मनाली, तो आपको GPS में मनाली की जगह पंडोर डैम डालना है, बिकॉज अगर आप डायरेक्ट मनाली डालोगे तो वो आपको मंडी के बाद किसी ऐसे रास्ते से लेके जाएगा जो कि मेन हाईवे नहीं है, तो वो थोड़ी सी आपके लिए कन्फ्यूजन भी कर सकता है। और अगर आप पहाड़ों में एक भी गलत टर्न ले लेते हो तो यू टर्न मार के वापस आना अपने आप में एक आफत हो जाता है, तो इसलिए पंडोर डैम का GPS डालना है और जब पंडोर डैम पहुँच जाओ तो वहां से मनाली का GPS दोबारा सेट कर दें। थोड़ी देर पहले पंडोर डैम क्रॉस किया था और उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं हम और टनल की तरफ। और टनल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए और अभी हमें मिला है इस पूरे रूट का तीसरा ट्रैफिक जैम। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक एक करके ट्रैफिक ऑन करते हैं, एक साइड का ट्रैफिक निकलता है फिर दूसरी साइड का और ये ऑल्टरनेट चलता रहता है। ये देखो यहाँ ज़बरदस्त धूल मिट्टी उड़ रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बस पेशेंस रखो और आराम आराम से ट्रैफिक के साथ साथ चलते जाओ, अपनी लेन मत ब्रेक करो। कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा इस तरह से ड्राइव करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग मिल रहे हैं बीच में, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उससे सभी डिस्टर्ब होते हैं, पूरा ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है। तो जब भी इस रूट पे आओ, इतना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अपनी लेन बना के आराम से चलते रहो, किसी को कोई परेशानी नहीं। होपफुली ये हाईवे आगे आने वाले 2 से 3 सालों में बनके एकदम रेडी हो जाएगा और यहाँ पे ड्राइव करने का अलग ही मजा होगा। ये देखो कैसे ऊपर से एक नया फ्लाईओवर बन रहा है, जैसे दिल्ली में 12 पुला फ्लाईओवर है ना, ये उसकी तरह है, ऊपर ऊपर से पूरी रोड को बाईपास कर रहा है। जबरदस्त कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इस रोड में, जबरदस्त अलग ही बन रहा है, ऐसा शायद पहले के पहाड़ों में कभी भी नहीं बना होगा। ये टाइम हो रहा है 3:15 और चंडीगढ़ अपने होटल से निकले हुए लगभग 8.5 घंटे हो गए हैं। डिस्टेंस कवर किया है 218 किलोमीटर सिर्फ, क्योंकि बीच में हमने 1 घंटा लंच भी किया था, बट फिर भी डिस्टेंस काफी कम कवर किया है, एवरेज स्पीड बहुत ही कम आ रही है बिकॉज ऑफ ये जो टूटे फूटे रास्ते हैं उनकी वजह से। होपफुली थोड़ी देर में जैसे हम ऑटो क्रॉस कर लेंगे उसके थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, एकदम हाईवेज खुल जाएंगे, रोड खुल जाएगी और व्यूज भी बहुत सुंदर हो जाएंगे। सो अभी थोड़ी देर पहले हमने और टनल क्रॉस किया है और हम एंटर कर गए हैं कुल्लू वैली में। कुल्लू वैली में एंटर करते ही हमें मिला है एक और ट्रैफिक जैम,
जीपीएस पे काफी बड़ी रेड लाइन दिख रही है, जो बहुत ज्यादा धूल उड़ रही थी वो खत्म हो गई है और आसमान बिल्कुल ब्लू हो गया है। बाहर का टेम्परेचर फिलहाल 24 डिग्री दिखा रहा है और मनाली अभी भी यहाँ से 68 किलोमीटर पेंडिंग है, 2 घंटे और लगने चाहिए। तो अभी हमने क्रॉस किया है कुल्लू शहर और कुल्लू क्रॉस करने के बाद यहाँ पे एक रोड आई थी जो मणिकरण की तरफ जा रही थी और फिलहाल हम ये क्रॉस कर रहे हैं बहुत ही सुंदर सा ब्रिज ब्यास रिवर के ऊपर। अब कुल्लू से आगे बढ़ेंगे मनाली की तरफ। कुल्लू से पहले थोड़ा सा ट्रैफिक जैम था, अब धीरे धीरे रोड बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और नज़ारे और भी सुंदर हो जाएंगे। टाइम अभी हो रहा है 4:47 और चंडीगढ़ से हमने कवर कर लिया है 247 किलोमीटर। एवरेज स्पीड काफ़ी कम रही है बट कोई बात नहीं, ये एक्सपेक्टेड था। अगर आप भी आज की डेट में मनाली अपनी कार से आ रहे हो तो आपको इस चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ेगा कि आपको रास्ते में ट्रैफिक जैम्स मिलेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो चंडीगढ़ से मनाली की जर्नी है वो लगभग 9 से 10 घंटे की भी हो सकती है। जैसे ही आप कुल्लू एंटर करोगे उसके बाद नज़ारे एकदम चेंज हो जाएंगे और सामने की जो पूरी वादियाँ हैं बहुत ही सुंदर दिखेंगी। आई थिंक ये वाला जो स्ट्रेच है ये कुल्लू का बाईपास है जो पूरे कुल्लू शहर को बाईपास कर देगा और उसके बाद मनाली वाला मेन नेशनल हाईवे शुरू हो जाएगा। सामने ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दिखनी शुरू हो गई हैं। इस टाइम पे ब्यास रिवर का पानी भी बिल्कुल क्लीन है। फाइनली हम लोग आ गए हैं इस पूरे मनाली रूट के आखिरी 50 किलोमीटर में, जो कि है कुल्लू से मनाली की रोड। ये रोड बाकी बहुत ही ब्यूटीफुल है, साथ में है ब्यास रिवर और मुझे सामने दूर स्नो कैप माउंटेन्स दिख रहे हैं। जो इतनी मेहनत करके और ख़राब सड़कों पे गाड़ी चला के हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो यहाँ आके पता लगता है कि इतनी मेहनत करना उसके लिए वर्थ था। ऑलमोस्ट मनाली पहुंच चुके हैं, अपने होटल से बस 6 किलोमीटर पहले हैं। यहाँ मनाली की एंट्री पे एक ग्रीन टैक्स लिया जाएगा, शायद 200 रुपये है, तो कोई भी गाड़ी जो बाहर की आती है उसे ग्रीन टैक्स देना पड़ता है। बाहर का टेम्परेचर 16 डिग्री है, टाइम हो गया 5:45 और चंडीगढ़ से चले हुए 11 घंटे एग्जैक्टली हमने पूरे कर लिए हैं। जो अभी तक डिस्टेंस कवर किया है दैट इज 287 किलोमीटर। कोई ज़्यादा टायरिंग नहीं थी जर्नी, शायद इसलिए नहीं टायरिंग लग रही क्योंकि मैं अपना माइंड सेट बना के आया था कि ख़राब रास्ते भी मिलेंगे और ट्रैफिक जैम्स भी मिलेंगे,